स्मार्ट गए तो गाड़ी में डाल लिया था, बोले कि अब वहाँ एयरपोर्ट तक जाएंगे तो हम गुरुग्राम भी चले जाएंगे। एक नया दिन और एक नई सुबह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन है और सुबह सुबह मैं काम में लग चुकी हूँ। एक हमारा बैक साइड वाली जो बालकनी है उसमें ये वाले कर्टन है और पूरा कर्टन को चेंज कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उतना का कर्टन हम बनवाने लगे तो कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये का कर्टन तैयार हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसी कर्टन को वॉश करके रखा है, सब आपको दिखा देती हूँ। ये पुराने टाइप का है थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं तो इसलिए इसको मैंने चेंज नहीं कराया, क्योंकि चेंज कराने में भी, और अगर उसको ठीक से यहाँ पे ये चूड़ियाँ लगवाते तो और ज़्यादा टाइम लगता और पैसे ज़्यादा खर्च होते। तो ये इस टाइप वाला है और इस टाइप वाले कर्टन आप सब लोगों ने खूब सारे लगाए होंगे अपने घर में, तो अंदाज़ा होगा कि इसको लगाना इतना आसान नहीं होता है। इसके पिंस को इकट्ठा करो, फिर वो रिंग होता है और ये स्लाइड्स करता है बिल्कुल ही, तो इसके लिए ये वाली रिंग की ज़रूरत होती है। तो जो एक बार आप निकालो रिंग, तो उसके बाद तो रिंग बिल्कुल जंग खा चुका होता है। तो अभी फ्रेश रिंग लेके आए हैं, इससे पहले सारे कर्टन में ये वाले रिंग लगाने होते हैं, फिर उसे ऊपर जा कर के फंसाओ। तो अभी तो फिलहाल मैं इसमें ये रिंग लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं कर्टन सारे टांगने वाली हूँ। तो इसको लगाने के लिए आपको ये रिंग लेकर के, और जिनके घर में होगा इस टाइप का कर्टन पता होगा, फिर भी मैं कि ये रिंग ऐसे लिया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे ये जो बकरम लगा होता है उसमें एक बना होता है, उसमें ऐसे लगा के यूँ फंसाना होता है और फिर इसको ऊपर जाके हुक में फंसाना होता है। प्लांट्स ना हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बागवानी करना हर किसी को भाता है, हर किसी को अच्छा लगता है, और अगर वो आपके कमरे के आसपास हो या फिर आपके कमरे से लगी हुई बालकनी में हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये चूँकि मेरी बैक साइड वाली बालकनी है, अभी कर्टन वगैरह मैं तैयार कर रही थी तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्लांटिंग की हुई है वो भी आप सबको दिखा देती हूँ। ये लोनीना पाम है, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये विंडो है मेरी, मेरे बेडरूम से ये विंडो बाहर की तरफ दिखाई देता है। अभी तो डार्क है तो अंदर नहीं दिख रहा है, बट बाहर की तरफ दिखता है तो बहुत ही हरियाली सी दिखती है बेडरूम में अपने पलंग पे बैठकर, और यहाँ से अंदर की तरफ रोशनी भी जाती है, धूप भी जाती है। तो अंदर जो है पाम ट्री में रखती हूँ और ये बाहर वाला पोर्शन है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए, कुछ हर्बल्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये देखिए ये नीम करी है, मीठे नीम की अभी नई नई पत्तियाँ इसमें निकल रही हैं, और ऐसा आप सब भी लगा के रख सकते हैं। हर घर में ज़रूरत होती है, हम सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो सब्ज़ी बनाने में, खाना बनाने में, और नीम करी का तो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो इसलिए नीम करी हर घर में होता है। तो इसे अब बिल्कुल अपने मतलब किचन के पास पास रखिए तो अच्छा लगता है। अभी देखिए इस सीज़न में इसमें फूल वगैरह खिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, मतलब जब कभी करीब से आप देखिए इन चीज़ों को तो आपको लगता है क्या कि ये जो है फूल नीम करी के होंगे। उसी के बाद आपको मैं दिखाती हूँ ये सौंफ था। घर में अगर आपके पास सौंफ है तो आप कहीं भी खाली गमला है, ज़मीन है, उस पर छींक दीजिए और एक हर्बल आपका तैयार हो जाएगा। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई जरदोजी का काम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जरदोजी है या मिरर वर्क का काम किया हुआ शीशे का। ये देखिए ये लगाया था, बिल्कुल मेरा ख़राब सा सौंफ हो रहा था, उसे मैंने ला के लगा दिया था। हर साल मैं सौंफ थोड़ा छींट ही देती हूँ ला के यहाँ गमले में, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसे ही अच्छी लगती है। अब ये देखिए कि इसका फल तैयार हो रहा है, ये 3-4 महीने हो गए और इसका जो फल है वो शीशा वर्क जो होता है जरदोजी के साथ वैसा ही लग रहा है ना, जब आपने शुरू में देखा होगा तो यही लगा होगा। और अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्लोजअप आप देख लीजिए। अब ये फल जो है सौंफ बिल्कुल तैयार हो रहा है, थोड़े दिनों में ये सूख जाएगा और हमारा अच्छा खासा सौंफ तैयार हो जाएगा। ये एक प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा मेरे टेरेस गार्डन में मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है और जिसमें बहुत सारे फल हो रहे हैं। अब एक पौधा है ये देखिए, यहाँ पे एक पौधा बड़ा हुआ था, बाकी कुछ पौधे सूख गए थे, बट हाँ एक पौधा बहुत बड़ा हुआ था, उसमें एक पौधे में देखिए ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से हर्बल आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपको ये देखिए यहीं पे मैंने इसी बालकनी में, नीचे वाली बालकनी में अजवाइन का ये पौधा लगाया हुआ है। ये भी इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है बहुत ज़्यादा, नमक वगैरह के साथ अगर आप इसे बारीक कट करके खा लेते हैं, अगर पेट में दर्द हो रहा है, अफारा हो रहा है तो ठीक हो जाता है। बट इसके बहुत सारे लोग पकौड़े बनाते हैं और मैंने पहले भी एक बार इस पर वीडियो बनाया हुआ है, बट वो अपने गार्डनिंग चैनल पर बनाया है। तो इस तरीके से कुछ हर्बल्स जो है आप सब लगा करके अपने आस पास रख सकते हैं, और
और कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स भी रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ये जीजी प्लांट है, ये मैंने लगाया था, पालक के साग लगाया था, अब ये बीज तैयार हो रहा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे प्लांट्स जो लगे हुए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। सारे कर्टन में मैंने हुक्स लगा लिए हैं, अब उस कर्टन्स को यहाँ टांगना है। बस ये बालकनी वाला ही साइड का मैं अभी आज साफ सफाई कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि उसी में आपको मैंने ये प्लांट्स भी दिखा दिए, हर्बल्स जो लगा के यहाँ पे रखे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और अब धीरे धीरे अभी सीढ़ी लेके आना है, सीढ़ी ला करके सारे कर्टन्स में टांगूंगी अभी। साथियों एक कर्टन तो अभी इधर का मैंने टांग दिया है, और यहाँ पे देखिए ये खजाना मेरे घर की है और खुशियों का खजाना है ये, क्योंकि अनवी है और वो यहाँ पे बैठ के खेलती है। छोटी सी थी तब से, एक डेढ़ साल की थी तब भी, जब भी आती है तो इसी जगह पे इसी प्लेस में, मैंने कितनी बार आप सबको बताया है, और आज जो है वो खुशियों का जो खजाना पिटारा है ना वो यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है। तो अभी वो खेलेगी, अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, और जब पूरा कर्टन यहाँ पे मैं टांग दूंगी तो आपको हो सकता है कल के वीडियो में दिखाऊं, पर अभी मैंने ये शुरुआत तो कर दी है टांगने की, है ना, है ना अनवी। 5 दिन कैसे गुजर गए चित्रा के आने के बाद पता ही नहीं चला उसमें। 3 दिन तो मेरी इतनी बुरी हालत रही, अब थोड़े थोड़े चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि रोशनी आ रही है, और मेरी आंखों में भी रोशनी आ रही है। अब उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ, सामान सारा यहाँ पे रखा हुआ है, दोपहर की फ़्लाइट है उनकी, वो मुंबई चले जाएंगे, उसके बाद हमें भी इनके पास जाना है 24th को, हम जाएंगे। मैं 24th के लिए, तो उसी के लिए थोड़ा वो सामान वगैरह जो ख़रीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं उसके लिए, कमल गाड़ी लेने के लिए गए हुए हैं, तो बस ये सामान लेके अभी हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं। 1 बज गया है और अब हम गुरुग्राम जा रहे हैं, कुछ सामान ख़रीदना है वहाँ से, और कमल को शू चेंज कराना है। अभी हम लोगों का बस यही ट्रैवलिंग चल रहा है, इसी तरीके से हम जा रहे हैं, और आज मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। गुरुग्राम में कितना जाम लगा। हाँ, अभी हम लोगों ने अब चित्रा को छोड़ दिया है, वो चली गई, उनकी 3:30 बजे की फ़्लाइट है, अभी 1:15 हो गया है, और अब हम यहाँ से गुरुग्राम जा रहे हैं, कुछ सामान वहाँ ख़रीदना है। पर थोड़ा सा शहर की स्थिति ये हो रही है कि नोटिसेस रोज़ आ रहे हैं कि वहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कौन सी जगह बता रहे हैं? वही पालपुर रजोकड़ी के बीच। हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्लाईओवर की जी, तो लेन्स बंद कर दी, तो इसलिए वो हो रहा है। और हाँ, अभी तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, और बस अब यही सब कुछ, शॉपिंग, बाहर जाना आना, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हम दोनों यही कर रहे हैं। अब चित्रा चली गई है फाइनली, कल आप सबको मैंने बता दिया था कि जो शॉपिंग होनी थी हो गई है, थोड़ी सी और रह गई है, मतलब जो सामान ऑल्टर करने के लिए दिया हुआ था वो कल हम पिक करेंगे सारा। नवेली भी आई थी और नवेली के ही कुछ ड्रेसेस रह गए थे, और उसकी बेटी ने अनवी के लिए सारा सामान जो है वो रह गया है कुछ, तो वो शूज़ वगैरह वो कर लेंगे, तो आप सबसे शेयर करेंगे। फिलहाल हम गुरुग्राम पहुंचते हैं, स्थिति वहाँ की देखते हैं, और आज दिल्ली में मौसम बहुत ऑसम हो रहा है, बहुत सुहावना हो रहा है, और ऐसे में हम दोनों ड्राइव पे, तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो भाटिया जी ने कहा कि चल तेरे को लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ, तो आज मुझे इतने ऑसम मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहे हैं। चाट पापड़ी भी खिलाएंगे, दही तो खा ही लूंगी ना, दही बल्ले खा सकते हैं। हाँ, तो बस चलते हैं गुरुग्राम, चल के मिलते हैं आप सबसे साथी। आप आ रही थे कार ना, मेरा बेटा पूछ रही है कहाँ जा रहे हो आप? आपके घर जा रही हूँ, आपके घर। मेरे घर? हाँ। ऐसे शहर।
तो साथियों इस तरह से दिन भर का जो क्रियाकलाप था, जिस तरह से छोटे मोटे काम वाम किए मैंने, सफाई किया, सब कुछ किया, वो आप सबने देखा, कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हर रोज़ मैं आप सबसे कहती हूँ, और अगर पसंद आया है ना तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को। और फिर कल मिलते हैं, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। और आपने देख लिया कि अभी मुझे मार्केट के लिए फिर से जाना है आज। मैंने आप सबको बताया था कि नवेली आएगी संडे को, और आपने देखा कि नवेली आई हुई है, तो बस बच्चों को और नवेली को लेकर के जो थोड़ी सी शॉपिंग हमारी बच गई थी और जो ऑल्टरेशन के लिए हमने कपड़े दिए हुए थे वो सब आज पिक करना है, तो आज हमारी फाइनल शॉपिंग हो जाएगी। तो बस आज विदा लेते हैं आपसे, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, लाइक कर दीजिए, नीचे वाले बटन को प्लीज़ दबा दीजिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।